फ्रेश फ्रेश पनीर टिक्का जेडे मसाले है बिल्कुल लाइट है। ये तुसी भी खाना है तो तुहानू इत्थे आना पैना है। ठीक है जी हरू भाजी साडे है खुशी देखो मुंडे दे मुंह ते स्माइल क्या बात चटनी लगा के होर स्वाद आ रहा है खाओ। मतलब यार खादी है उसका ना बहुत तू पहली बारी खादी ता उस हिसाब ना वधिया लगी तेनू। हाइजीन लेवल दी गल करिए आपां ता मैं कहना साफ सुथरा काम है जी। क्या बात है जी पनीर टिक्का वाह मजेदार पनीर टिक्का। वीडियो नु पूरा देखियो स्किप मत करियो बहुत मजेदार वीडियो नवी प्लेस ते तुहानू लेके आए हुशियारपुर दी सो मस्ट विजिट खालसा चाप वाले। मैं लोकेशन वगैरह सारा कुछ ब्लॉग दे विच दसांगा सो आ जाओ सारे जने खा लो। ड्राइविंग दा मेनू एक्सपीरियंस हैगा नियर अबाउट देखा जाए तो जो वैन आया मीन टेंथ और सेम टेंथ दसवीं चा विदाउट लाइसेंस गड्डी चलांदा हुंदा सीगा। एक बारी ना एक आंटी नू ठोकन लगा सीगा नवा रीसेंटली उन्होंने काम शुरू किया खालसा चाप वाले। ठीक है जी ये हैगा कक्को आपां तुहानू लोकेशन समझाने माउंट कारमल स्कूल हैगा ना जी जिहड़ा माउंट कारमल स्कूल तो पहले एक छोटी जी मार्केट आती है सैवन डे समथिंग लाइक सुपर स्टोर हैगा हुशियारपुर एनक्लेव या रोड़ा कलोनी भी आप कह दें जस्ट बार। सो आप चलते हैं और तुहानू दिखाने हैं सारी लोकेशन उत्थे की प्रिपरेशन होंदी है किदां होंदी है सुनने च आया कोई स्पैशल तरीके ना चाप बनाते हैं फ्रैश मतलब बना इदा नहीं हुंदा जिदा आप देखते हैं कि चापा टंगिया हुई हैं वो वाला हिसाब किताब नहीं हैगा उन्हां दा सो वो फ्रैश ही चाप प्रिपेयर करते हैं बाकी जाके उत्थे देखते हैं लोकेशन उन्हां दी समझाना तुहानू। सो लैट्स गो जिदा मैं तुहानू दस्सिया सी भी ये प्रिपेयर करके रखते जिदा लटकियां हुंदी है इत्थे इदां पई है फ्रैश चाप पई है बिल्कुल और छोटी जी कार्ट है जी ये मैं तुहानू दिखाना सारी कार्ट और सारी लोकेशन समझाना। आ इन्होंने चाप चक्की और ये उत्ते आ देखो मसाला लगा रहे हैं ये चाप केड़ी बनाने लगे हो मसाला चाप भी बनाने लगे हो तुसी क्या बात है जी देखो चाप बनाने लगे है स्पेशल ते किन्ना चिर हो गया बाऊ जी इत्थे तुहानू दो हफ्ते हो गए मतलब हुणे हुणे शुरू किया ना तुसी ठीक है हुणे हुणे शुरू किया जी और मैं कहांगा कि खा के दसांगा किदां दा टेस्ट है बाकी तुसी इत्थे आओ मैं तुहानू लोकेशन समझाना इन्होंने मसाला लगाता उस तो बाद आ इधर कोलियां दे उत्ते रखूंगे और मैं तुहानू लोकेशन समझाना। देखो जी आ सैवन डे सुपर स्टोर हैगा ठीक है जी जो तुसी आपां हुशियारपुर एंटर करते हैं ना ये दसूए तो रोड आता है इधरों जो दसूए तो आप एंटर करते हैं ना आ बोर्ड लिखा होगा जिथे आ बोर्ड लिखा हुआ उत्थे सैवन डे सुपर स्टोर हैगा उहदे जस्ट बार खालसा चाप वाले ठीक है जी स्पैशल चाप बनती है फ्रैश चाप बनती है। ठीक है जी तुसी इत्थे मैं कहांगा एक बार विजिट करना बनता है इहदे नाल जस्ट KTM का KTM बाइक तुसी सुनिया होगा KTM बाइक का शोरूम हैगा वो सामने KTM बाइक का शोरूम है और जस्ट नाल आ माउंट कारमल स्कूल है जी। ठीक है जी जिहड़ा आ रोड है ये दसूए तो आ रहा है और इधर हुशियारपुर जा रहा है और इधरों हुशियारपुर तो ये आप पठानकोट रोड भी कह दें इनू दसूआ रोड भी कह दें। ठीक है जी मैं तुहानू एक बार फिर तरीके नाल समझा दिना कि जिहड़ा आ रोड है ये दसूए तो आ रहा है माउंट कारमल स्कूल तो जस्ट पहला ही कह सकते हैं या टप के कह सकते हैं जो तुम उधरों आ रहे हो जो तुम हुशियारपुर तो आ रहे हो तो उस तो पहला सैवन डे सुपर स्टोर के बिल्कुल अपोजिट खालसा चाप वाले जा रहे हैं जिहड़े सानू रिकमेंड की ज्ञानी दुध वाले मक्कड़ भाजी ने ज्ञानी दुध सारिया पता हुशियारपुर च काफ़ी वैल नोन प्लेस हैगी है जिन्हों का दुध का दही का मक्खण का घ्यो का उस तो बाद गजरेला अजक बहुत वधिया उन्हों का बिकता है। ठीक है सो आप जा रहे हैं एक नवी जगह नहीं हैगी मतलब है तो जगह पुरानी वो आ देखो जी चाप रखती है इन्होंने देखण नू तो स्पैशल लग रही है बाकी खा के दसांगे हुण किद्दां दी हैगी है ते प्राइसिंग की है और टाइमिंग की है भाई तुहानू पता। हाँ जी भाजी आप 4 to 9 बजे तक होने 4 बजे तो लैके 9 बजे तक। हाँ जी ठीक है ते चाप किन्ने प्राइस की है जी भाजी जेडी अपनी हुंदी है मलाई पुदीना ओके ते अचारी ते मसाला ए 150 रुपए प्लेट हुंदी है जी। अच्छा जी ते जेडी अपनी ग्रेवी वाली हुंदी है 160 वाली। अच्छा जी फुल हुंदी है ते हाफ हुंदी है जी 60 रुपए दी 60 रुपए दी हाफ हुंदी 120 रुपए फुल हुंदी है 120 रुपए दी फुल हुंदी है। हां जी ते ए 150 रुपए हुंदी 80 रुपए दी हाफ हुंदी है। ठीक है जी पैक कर दंदे हो। हां जी बिल्कुल जी पैक कर दंदे हो ते डिलीवरी वगैरह तां हैगी है लागे जाके किते करनी होवे तां। हां जी बिल्कुल ए हुशियारपुर एनक्लेव जिदा हो गया रोड़ा कलोनी च अपना फोन नंबर दस दो एक बारी फिर 94631 जी 94631 2547 2547 44। ठीक है तुहाडा नाम की है जी? रणधीर सिंह जी। रणधीर सिंह रणधीर सिंह हैगा जी भाजी दा नाम ते छोटा जिहा काउंटर है जी। आ देखो जी तुसी देख रहे हो
और ठीक है जी स्पेशल चाप बनती है और दिख रही है तुहानू और मेरे नाल स्पेशल चक्षम वंश और हरकरण हरू भाजी साडे है। खुशी देखो मुंडे दे मुंह ते स्माइल क्या बात है। सो चाप बनती है और स्पेशल यार इनू आप भूल गए है ना चीजी खानी है चीजी चीजी खाना आया जी मुंडा स्पेशल और आप बन रही है आप टेस्ट टेस्ट तुहानू करके फाइनल टेस्ट दस दें कि है और बाकी मैं देख रहे हैं कि हाइजीन लैवल की गल करिए आप ग्रेवी वाली है जी ठीक है जी आ ग्रेवी चाप है जी हाइजीन लैवल की गल करिए आप मैं कहना साफ सुथरा काम है जी कोई पहला बना के रखे सब कुछ ताज़ा ही बना दो सब ताज़ा ठीक है जी और थले भी साफ सुथरा काम है जी बिल्कुल देखने चीज़ वधिया लग रही है और अमूल की क्रीम फ्रैश है ठीक है जी। सो इधर बनती है आप दस दें तुहानू किदां दा टेस्ट है लाओ तो पनीर टिक्के की आ देखो जी प्रिपरेशन फ्रैश हो रही है तो इस तो यह पता लगता है कि हाँ जी बिल्कुल फ्रैश काम करते हैं। सो मेरे ख्याल नाल हुशियारपुर दे विच फ्रैश कोई भी नहीं बनाता चाप और पनीर टिक्का इदा दी कोई भी एक्स वाई चीज जिहड़ी चीज़ हैगी आप खाते हैं ठीक है। आ देखो जी इन्होंने पनीर जिहड़ा हैगा वह डिप करता अपने मसाले दे विच क्या बात है जी बिल्कुल फ्रैश फ्रैश बनाओगे और सब्जियां वगैरह सब कट के रखी कटनी है जी ओके मैनू भुलेखा लग गया है कोई नहीं हुण कटी जानी है हुण कटी जानी है ठीक है जी कटो कटो। आ देखो जी पनीर इन्होंने चक लिया और पनीर पहला लगाई इन्होंने शिमला मिर्च ठीक है जी फिर लाया इन्होंने पनीर हाइजीन नु लेके हाथ च ग्लव्स पाए हुए है तुसी देख रहे हो क्या बात है जी होए 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 नेक्स्ट लेवल फ्रैश फ्रैश पनीर टिक्का इहदा प्राइस की है जी हरी चटनी स्पेशल अपने आप बना दो जी ठीक है जी ठीक है जी बट होया नहीं सीगा कुछ बचा ली सी मैं सो नहीं बचा ली सी मतलब की गड्डी बचा ली सी आंटी भी बचा ली सी गड्डी भी बचा ली सी जो नवी नवी गड्डी सीखी सी इंडिका ते गड्डी ते मैं सीखा सीगा ते आपा चले आज स्पेशल नवा ब्लॉग बनाने विद चक्षम वंश और हरू और साडा संख संख है ना तो आपा अज एक नवी जगह हाउस इट गुड है। देखो जी जो सच्ची गल है मैं ना एक बाइट खा चुके हैं तो मैं दूसरी कर दिया उसने चाप ना चंगी तरह राड दें काली कर दें वो वाला हिसाब है बिल्कुल फ्रैश और चबान दे विच बहुत सॉफ्ट है जिन्हां दे दंद भी है नहीं ना वह भी आके चाप खा सकते हैं सियाने बजुर्ग सो स्पेशल टेस्ट हैगा मैं ये गल कह सकदा कुछ यूनिक जिहा बनाया है ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਸਵਾਦ ਆ ਬਹੁਤ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਚਕਸ਼ਮ ਮੈਂ ਸਾਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਸੈਲਡ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਮ ਬੁਆਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੰਸ਼ ਸਵਾਦ ਆ ਬਈ ਸਵਾਦ ਆ ਇਹ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਚਾਪ ਆਪਾਂ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਚਾਪ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੌਫਟਨੈਸ ਬਹੁਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹਦੀ ਪਲੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਲੇਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈਗਾ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਔਰ ਚਾਪ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸੰਖ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹਾਏ ਸੰਖ ਪਿੱਕ ਕਰੋ ਖਾਓ ਇਹ ਸੰਖ ਨੇ ਪਿੱਕ ਕੀਤਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਗੁੱਡ ਓਕੇ ਇੰਜੋਏ ਖਾ ਲਾ ਸੌਫਟਨੈਸ ਪਨੀਰ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਹਰ ਕਰਮ ਤੈਨੂੰ ਵੰਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਾ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਪਨੀਰ ਦੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ वंश किदा लगी चाप बहुत वधिया हर करन तू मुंह क्यों छुपा रहे हैं कुछ नहीं भाई शर्म आ गई मुंडे नु सो वाकई जो चाप दा वंश आप की गल्ला कर रहे सीगे दोनों जने की किदा कह रहे सीगे आप भाई मतलब मसाला ना घट सी ना ज्यादा सी ठीक सीगा मसाला ना घट सी ना ज्यादा सीगा बिल्कुल एक्यूरेट सीगा है ना आप ये गल कह सकते हैं से ते बाकी इन्हें आज पहली बारी खादी है ते तेनू किदा दी लगी भाई वधिया सी नहीं सीरियस आपा देखो आपा ना ए नहीं कि आपा कहिए कि चंगा कहना या माड़ा कहना आपा एक एग्जैक्ट रिव्यू देना है फूड का ठीक है वधिया सीगा
ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖਾਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੰਖ ਹਾਊਸ ਇਟ ਹੈ ਗੁੱਡ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਸੀ ਸਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸੋਇਆ ਚਾਪ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 7 ਡੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਕੀਪ ਰੋਕਿੰਗ ਐਵਰੀਵਨ